वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम अदानी विनमय स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो अदानी विनमय स्टॉक की बात की जाए तो आज 692 पे ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ चुका है। अदानी विनमय स्टॉक 5.80 पैसे की गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिले। अदानी विनमय स्टॉक के अंदर टोटल 0.83% की गिरावट देखने को मिले। तो देख सकते कि क्वार्टर वन के नतीजे कल यहाँ पे सामने आ चुके थे। क्वार्टर वन के नतीजे के बाद आज हल्की सी गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिले, यानी कि देख सकते कि तकरीबन 692.10 पे क्लोजिंग दे चुका है आज अदानी विनमय स्टॉक। ओपन तो प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे हो चुका था। ओपन होते ही यहाँ पे आप देख सकते स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिली थी। प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेकआउट देखे हुए ऊपर तेजी से चला गया था, पर ऊपर देख सकते कि तकरीबन ऊपर यहाँ पे 718 पे रेजिस्टेंस लगते ही गिरावट देखने को मिली। और देखा जाए तो देख सकते हैं फिर से गिरावट होकर प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे ही ट्रेडिंग कर रहा था। मार्केट कैप 90,000 करोड़ के ऊपर अभी भी स्टेबल है। पी रेशो 100 पे है, जो कि बहुत ही ऊपर है। पिछले 5 दिनों में देख सकते हो 7.45% की तेजी देखने को मिली थी स्टॉक के अंदर। तो देख सकते कि तकरीबन आज के दिन का जो वॉल्यूम है 24 लाख से ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हो चुका था। ट्रेडेड वैल्यू भी देख सकते 16,982 लाख का है। तो देखा जाए तो देख सकते कि डिलीवरी परसेंटेज अवेलेबल नहीं, फिर भी चार्ट के ऊपर नज़र डाली जाए तो देख सकते कि 550 लेवल पे एक स्ट्रांग बेस बनाया है अदानी विनमय स्टॉक ने। जैसे बेस बनाए तो वही से तेजी देखने को मिली। धीरे धीरे मूवमेंट हो गई थी, पर एफ बुलिश मूवमेंट हो चुकी थी। रिसेंटली 700 लेवल पे रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है अदानी विनमय स्टॉक। जब भी 700 लेवल को ब्रेक करके ऊपर सेटल होगा तो इजिली फिर से 800 लेवल तक जाने के चांसेस ओपन हो जाएंगे। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट अदानी विनमय स्टॉक के लिए।